हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा, वेलकम टू एडु फ्लाइट। हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, इमर्जिंग हॉरिजन्स इन एचआरएम। उसकी काफ़ी सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ, उनमें हमने क्या डिस्कस किया था, लाइक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस कर चुके थे, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या इशूज होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है इमर्जिंग हॉरिजन्स में, एचआरएम में क्या इम्पैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का, मॉडल्स क्या होते हैं इंटरनेशनल एचआरएम के। फिर आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। तो जो पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है वो, तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के अंदर हमने एक और यूनिट कवर की थी, यहाँ पे कंपनसेशन मैनेजमेंट एचआरएम का ही पार्ट है ये। प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो सारी वीडियोज भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके सारी वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ से देख सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी वहाँ से। तो शुरू करते हैं आज का क्या अपना इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये मॉडल ऑफ इंटरनेशनल एचआरएम हम लोगों ने किया था। आज की क्लास में हम लोग करेंगे इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। ओके, तो देखो सबसे पहले नाम से समझ में आ रहा है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट होता क्या है, ठीक है। जब आप अपनी कंपनी को, अपने वर्क को क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो इंटरनेशनली, तो ऑब्वियसली आपको एम्प्लॉयज़ को भी रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी कंट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ को ही उन सब्सिडरीज़ के अंदर एम्प्लॉय करना चाहते हो, या जहाँ पे आपकी कंपनी है, जहाँ पे जो होस्ट कंट्री है वहाँ से एम्प्लॉयज़ को आप लेना चाहते हो, मैनेजर्स वगैरह को, या फिर ग्लोबली आप कहीं से भी हायर करना चाहते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे करेंगे, कि आप अपनी कंट्री को ही सुपीरियर मान के चलेंगे कि भाई जो हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर कैपेबिलिटी है, जो हमारे कंट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर, तो आप उन्हीं को रखोगे। अदरवाइज डिपेंड करता है ये कि आपकी जो होस्ट कंट्री है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटी कैसी है, आपको वो मिलते हैं वहाँ पर ठीक से एम्प्लॉयज़ या नहीं मिलते, इट डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके, तो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का समझ में आ गया आपको, मतलब कि आप इंटरनेशनली हायर कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को। ओके, तो ये क्या बोला, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रैक्टिसेज इन इंटरनेशनल एचआरएम डिपेंड्स ऑन इस स्टाफिंग पॉलिसी। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफिंग पॉलिसी होगी ना, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, होस्ट कंट्री गवर्नमेंट्स कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन हायरिंग पॉलिसीज एंड द फर्म्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट द राइट कैंडिडेट। अभी कितनी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं है, एक तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये किस पर डिपेंड करेगा, जो कंपनी की स्टाफिंग पॉलिसीज हैं उसके ऊपर, फिर जो होस्ट गवर्नमेंट है यानी कि जिस कंट्री में आप अपनी सब्सिडरीज को एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या कॉन्स्टेंट्स डाले हुए हैं, हायरिंग पॉलिसीज क्या हैं उस कंट्री के अंदर, होस्ट कंट्री के अंदर, और थर्ड चीज़ क्या है, यहाँ पे फर्म की क्या एबिलिटी है अट्रैक्ट करने में राइट कैंडिडेट को। सिर्फ आपके सोचने से कि आप कहाँ से एम्प्लॉय हायर करेंगे उतना इनफ नहीं है, राइट। वहाँ जहाँ से आप हायर करना चाहते हो उन एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप कितना अट्रैक्ट कर पाते हो जहाँ से आपको मैन पावर चाहिए उनके लिए, ठीक है। तो मल्टीनेशनल फर्म्स में अडॉप्ट वन और मोर फॉलोइंग द स्टाफिंग पॉलिसीज की एग्जीक्यूटिव। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कंट्री से हायर कर सकते हो या सिर्फ बाहर की कंट्री से, आप एक मैच भी तो कर सकते हो ना, कुछ अपनी कंट्री के एम्प्लॉयज़ को कर लिया, कुछ जहाँ पे होस्ट कंट्री में आके कुछ ग्लोबली आपने ले लिया, तो इस तरीके से एक मिक्सचर भी हो सकता है। ओके, तो जो आपकी पॉलिसीज होती हैं स्टाफिंग की, वो क्या क्या, यहाँ पे देखो अप्रोचेस हैं, यहाँ पे अलग अलग तीन चार अप्रोच हैं। एक है आपकी एथ्रोसेंट्रिक अप्रोच, एंड सेकेंड वन इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, थर्ड वन ये है आपकी जियोसेंट्रिक अप्रोच, एंड द फोर्थ वन इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। ओके, तो ये चार है, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारी, एथनोसेंट्रिक अप्रोच। अब ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है, देखो मैं एक ओवरव्यू देती हूँ पहले आपको, कि ये जो अप्रोच कंपनीज लेके चलती है ना, जो इंटरनेशनल कंपनीज एथनोसेंट्रिक अप्रोच लेके चलती है, वो ये मान के चलती है कि जो हमारी कंट्री के अंदर, खुद की कंट्री के अंदर जो मैन पावर है ना वो बेस्ट है, वो टैलेंट बेस्ट है। और तो काफ़ी सारी कंट्रीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ही अपनी सब्सिडरीज में, जो इंटरनेशनली उनकी सब्सिडरीज है वहाँ पे रखती हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हम इतनी जल्दी इनिशियल स्टेज पे ना बाहर से एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर सकते, तो वो अपनी कंट्री से ही एम्प्लॉयज़ को क्या करती हैं, भेजती हैं अपनी सब्सिडरीज में। ओके, तो मे बी ऐसी कोई सिचुएशन रहती है वहाँ पे कि वो नहीं हायर कर पाते बाहर से, तो वो क्या करती है इस अप्रोच के अंदर, अपनी कंट्री के से ही क्या करती है, मैनेजर्स को या एम्प्लॉयज़ को भेजती हैं जो हायर लेवल पोस्ट पर होते हैं। ओके, तो जैसे कि अंडर दिस पॉलिसीज ऑल कीज पोजिशन आर फिल्ड विद द होम कंट्री नेशनल। ये क्या बोल रहा है, अंडर दिस अप्रोच जितनी भी आपकी की पोजिशंस होती हैं, लाइक सीईओ, मैनेजर वगैरह जो होती हैं, हाई लेवल पोस्ट जो होती हैं, क्या बोलती है, फिल्ड की जाती हैं
विद द होम कंट्री नेशनल, मतलब जो आपकी होम कंट्री है, जहाँ पे आपका हेड क्वार्टर है कंपनी का, ठीक है, तो जो होम कंट्री है आपकी, वहाँ के मैन पावर से आप फिल करते हो अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, वहाँ से एम्प्लॉयज को भेजते हो. दिस अप्रोच इज कॉमन फॉर मल्टीनेशनल्स फर्म इन द अर्ली स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. और ये कॉमन अप्रोच होती है कब, जब जो मल्टीनेशनल फर्म्स की जो अर्ली स्टेज होती है, मतलब जब वो नई नई मल्टीनेशनल कंपनीज हुई हैं, राइट, क्योंकि उनको उतना जो लोकल कल्चर होता है होस्ट कंट्री का, उतना उनको नहीं पता होता कि कैसे डील करना है वहाँ के एम्प्लॉयज के साथ, ओके, कैसे हम कॉन्टैक्ट करेंगे उनको, कैसे मतलब एक कॉन्फिडेंस लेके आना कि वो हमारी कंट्री के लिए, कंपनी के लिए अच्छा सोचे. तो उस टाइम पे थोड़ा सा क्या होता है, हेजिटेशन होती है. इसलिए ये क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो अपनी कंट्री से ही भेजते हैं, ओके. तो ये बता दिया इसने कि ये कॉमन होता है कब, जब अर्ली स्टेज होती है मल्टीनेशनल कंपनी की, जब वो इंटरनेशनलाइज होती हैं, ओके. अदर रीजन फॉर दिस अप्रोच आर, और भी रीजन हो सकते हैं इसके, लाइक लैक ऑफ क्वालिफाइड होस्ट कंट्री मैनेजर्स. अब इनको क्या लगता है, हो सकता है शुरू में इनको लगता हो कि जो होस्ट कंट्री है ना, वहाँ पे उतना क्वालिफाइड मैन पावर नहीं मिल पाएगी, हमें क्वालिफाइड पर्सोनल नहीं मिल पाएगा उतना ज़्यादा, तो ये अपनी कंट्री से ही भेजते. एक तो रीज़न ये हो सकता है. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, डिजायर टू मेंटेन अ यूनिफाइड कॉर्पोरेट कल्चर एंड टाइट कंट्रोल. अब देखो, अगर होस्ट कंट्री के यहीं से मैनेजर वगैरह को ये चूज़ करेंगे, ठीक है, तो उतना कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, टाइट कंट्रोल. लेकिन अगर ये अपनी कंट्री से ही भेजेंगे ना, तो एक टाइट कंट्रोल होगा, एक सुपरविजन जो होगा ना, टाइट होगा उनके ऊपर, ठीक है. तो ये वही बोल रहा है कि एक तो क्या होता है, डिज़ायर होती है कि एक अच्छे से कंट्रोल रख पाए वहाँ पे, तो अपनी कंट्री से ही भेज देते हैं, होस्ट कंट्री से एम्प्लॉयज को ना लेके, ओके. तो आई थिंक समझ में आया होगा ये. सी क्या बोल रहा है, डिज़ायर टू ट्रांसफर क्विकली द पेरेंट्स फर्म कोर कॉम्पिटेंसी टू द फॉरेन सब्सिडरीज. और इनके अंदर क्या डिज़ायर होती है कि जो क्या कहते हैं फर्म, इनकी खुद की जो फर्म है उसके अंदर, जो फर्म के अंदर कोर कॉम्पिटेंसीज होती है ना, उनको फॉरेन सब्सिडरीज में भेज दिया जाए. मतलब जो इनकी खुद की कंट्री में इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ठीक है, ओके, तो वहाँ के जो कोर कॉम्पिटेंसीज होती है ना, उनको फॉरेन सब्सिडरीज में क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए. तो एक ट्रांसफर का भी वे हो गया है यहाँ पे. तो क्या क्या रीज़न थे कि क्वालिफाइड पर्सनल ना मिल पाए, मे बी उनको हो सकता है होस्ट कंट्री में कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, ये एक टाइट कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं, ये भी हो सकता है एक. और अब जो कोर कॉम्पिटेंसी है इनकी पेरेंट फर्म में, उसको क्या कर सके, ये फॉरेन सब्सिडरीज में ट्रांसफर कर सके. तो ये कुछ रीज़न थे. अब इनके देखो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं यहाँ पे इसके, किसके, एथनोसेंट्रिक अप्रोच के. क्या क्या हैं, द अप्रोच में लीड टू लो प्रोडक्टिविटी एंड हायर लेवल टर्नओवर ड्यू टू लिमिटेड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी फॉर होस्ट कंट्री नेशनल्स. अब देखो क्या बोल रहा है ये, कि अगर आप अपनी कंट्री के लोगों को ही आगे प्रमोट करते रहोगे कि पोजीशंस पे उन्हीं को रखोगे अपनी कंट्री के, तो जो होस्ट कंट्री है ना, वहाँ पे आपका क्या होगा, लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब लोग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनको कोई प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दिखाई देंगी वहाँ पे, कि भाई हमें तो होना नहीं है, ये अपनी कंट्री से ही भेजेंगे मैनेजर सीईओ, वही हमारे ऊपर आके काम करते रहेंगे और हम लोअर लेवल पे काम करते रहेंगे. तो एक टर्नओवर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं रहेगी ना वहाँ पे, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेंगी वहाँ पे जो होस्ट कंट्री के एम्प्लॉयज हैं वहाँ से. तो ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया, इसका एक डिसएडवांटेजेस हो गया, तो आपको अच्छा टैलेंट नहीं मिल पाएगा फिर होस्ट कंट्री में जो लोअर लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, ओके. नेक्स्ट इज द पेरेंट कंपनी नेशनल में टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग इन होस्ट कंट्री कल्चर लीडिंग टू फॉल्टी डिसीजंस. अब जो पेरेंट कंपनी नेशनल्स हैं वहाँ से, मतलब जो आपने अपनी कंट्री से एम्प्लॉयज़ को भेजा है की पोजीशंस को फिल करने के लिए, वो क्या करेगा, उनको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा समझने में होस्ट कंट्री की जो कल्चर है ना वहाँ पे. तो आप एम्प्लॉयज़ जो है लोअर लेवल के, वो तो होस्ट कंट्री के ही हैं, लेकिन जो की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं वो अपनी होम कंट्री के हैं, ठीक है, पेरेंट कंपनी है जहाँ पे, तो उनको क्या लगेगा, भैया टाइम लग जाएगा समझने में जो कल्चर है ना होस्ट कंट्री का, क्योंकि काम डील तो होनी एम्प्लॉयज़ के साथ करना है उनको, तो वहाँ पे क्या कहता है, फॉल्टी डिसीजंस निकल के आते हैं कभी कभी, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, ओके. थर्ड डिसएडवांटेज इज, सिंस द कंपनसेशन पे टू द पेरेंट कंपनी नेशनल इज ग्रेटर एंड इन पेड इन होम कंट्रीज करेंसी. मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो कंपनसेशन आप पे करोगे, तो ऑब्वियसली आपने की पोजिशंस तो सारी अपनी कंपनी से फिल करवाई हुई है, ठीक है, तो उनको सबसे ज़्यादा कंपनसेशन किसको पे किया जाएगा, जो की पोजीशंस पे हैं. तो अपनी जो पेरेंट कंपनी है वहाँ से जो अपने एम्प्लॉयज़ भेजे हुए हैं ना, उनको तो हाई कंपनसेशन पे कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग, जो पे कर रहे हो आप किसको, होस्ट कंट्री नेशनल्स को, जो वर्क कर रहे हैं सेम कंपनी में, ठीक है. तो उससे क्या होगा, एक डिस्क्रिमिनेशन आता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं वो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, भाई काम तो हम भी कर रहे हैं ना, लेकिन हाई पोस्ट पर तो ये लोग लाके क्या कहते हैं, अपनी कंट्री से बिठा देते हैं, पेरेंट कंपनी से बिठा देते हैं, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम है और कंपनसेशन भी आपको कम पे किया जा रहा है, तो एक डिस्क्रिमिनेशन राइज होता है वहाँ पे, फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ओके. द लास्ट इज, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू एम्प्लॉय एक्सपेट्रिएट्स इन फॉरेन सब्सिडरीज. ये एक्सपेट्रिएट्स का शायद मैंने लास्ट किसी वीडियो में भी मीनिंग बताया था. एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या है, जो किसी और कंट्री से आके किसी दूसरी कंट्री में इंसान रह रहा है, वहीं पर काम कर रहा है, ठीक है, वहीं पर रह रहा है,
तो अब देखो, जब आप अपनी कंट्री से किसी सब्सिडरी में क्या भेजोगे, एम्प्लॉयज को भेजोगे, तो ऑब्वियसली वो लोग डेली तो नहीं आएंगे ना दूसरी फॉरेन कंट्री से आपके यहाँ होम कंट्री में काम करने के लिए, ठीक है, होस्ट कंट्री में, सॉरी। तो आपको उनके रहने खाने पीने सारी जो मैनेजमेंट है वो वहीं पे करनी पड़ेगी, सारी एडजस्टमेंट आपको उसी कंट्री में करनी पड़ेगी, राइट। तो ये एक एक्सपेंसिव वे हो जाता है कहीं ना कहीं कि आप बाहर से लाके एस्टेब्लिश कर रहे हो दूसरे लोगों को यहाँ पे होस्ट कंट्री में, वहाँ पे तक ही वो आपकी की पोजिशन को फिल कर सके। तो वहाँ पे जो मेंटेनेंस का खर्चा हो जाता है ना, वो उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ उनको, उनको घर प्रोवाइड कराना, खाना पीने की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, हर चीज़ आप उनको प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी एथनोसेंट्रिक अप्रोच, जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी होम कंट्री से ही एम्प्लॉयज को भेजते हो, जो आपकी पेरेंट कंपनी होती है वहीं से आप क्या करते हो, अपनी जो सब्सिडरीज होती है उनके अंदर आप अपने की पोजीशंस को फिल करते हो। बेसिकली ये कब होता है, मतलब कॉमन होता है ये कब, जब मल्टीनेशनल फर्म्स जो होती है अर्ली स्टेज में होती है किसकी, इंटरनेशनलाइजेशन की, ओके। ये मतलब कॉमन सी बात है कि जब आप जानते नहीं हो उतना ज़्यादा वहाँ के कल्चर को, तो आप अपने यहीं से एम्प्लॉयज़ को भेजते हो ताकि आप अच्छे से टैकल कर सको वहाँ की चीज़ों को, ठीक है। द नेक्स्ट अप्रोच इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। अब देखो पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली यहाँ से हमें समझ में आ रहा है एथनोसेंट्रिक का ये थोड़ा सा अपोजिट। अंडर दिस अप्रोच फॉरन सब्सिडरीज आर स्टाफ्ड विद द होस्ट कंट्री नेशनल्स। ये क्या बोल रहा है, जो फॉरेन सब्सिडरीज होती है, मतलब जो आपकी अलग अलग कंट्रीज में सब्सिडरीज हैं, उनको स्टाफ किया जाता है किसके साथ, विद द होस्ट कंट्री नेशनल्स। मतलब आप जिस कंट्री में अपनी सब्सिडरीज को एस्टेब्लिश कर रहे हो ना, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ से चूज करोगे, उस होस्ट कंट्री से करोगे जहाँ पे आपकी सब्सिडरी है, ठीक है, चाहे फिर वो की पोजिशन हो या लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हो, आप सब क्या करोगे, उस होस्ट कंट्री से ही सब कुछ क्या करोगे, मैनेज करोगे, ओके, सॉरी। ये बोल रहा है द पेरेंट कंपनी नेशनल्स आर एम्प्लॉयड ओनली एट द हेडक्वार्टर्स। अब जो पेरेंट कंपनी नेशनल्स है ना, उनको मतलब जो पेरेंट कंपनी के एम्प्लॉयज आप उनको कहाँ पे एम्प्लॉय करोगे, फिर उनको हेडक्वार्टर में। अब हेडक्वार्टर तो किसी एक कंट्री में ही होता है जो मेन कंट्री होती है आपकी, फिर आप अलग अलग कंट्रीज में क्या करते हो, सब्सिडरीज बनाते हो, ओके। तो उन सब्सिडरीज में तो वहीं के एम्प्लॉयज को लोगे जो वहाँ की होस्ट कंट्री है, बाकी आप जो पेरेंट कंपनी के एम्प्लॉयज है उनको कहाँ पे रखोगे, आप जो हेडक्वार्टर है आपकी कंपनी का वहाँ पे उनको एम्प्लॉय करोगे, ओके। This approach offers the following advantages. अब इसके कुछ advantages हैं, क्या क्या, This is less expensive than the ethnocentric approach. अब देखो जो आपके ethnocentric में था, वहाँ आप अपनी कंट्री से लाके, जो आपकी होम कंट्री है ना, वहाँ से लाके सब्सिडरी, जो होस्ट कंट्री है वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय कर रहे थे उन लोगों को, तो वहाँ पे एक एक्सपेंस क्या था, बढ़ जा रहा था। अब आपको जहाँ पे सब्सिडरी है ना, वहीं से क्या हो जाएगा, आपको एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, तो ये जो एक्सपेंस होता है उनको मेंटेन करके रखने का, मेंटेनेंस का, वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज द लोकल मैनेजर कैन इजिली टेक केयर ऑफ द लोकल डायनेमिक्स। अब जैसे उसमें था जो वहाँ पे डिसएडवांटेजेस है, यहाँ पे वो मोस्टली क्या हो जाता है, एक तरीके से एडवांटेजेस बन जाते हैं एथनोसेंट्रिक में जो था। देखो अब जब लोअर लेवल पे तो क्या है, एम्प्लॉयज होस्ट कंट्री के ही हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से कौन समझ पाएगा, जो होस्ट कंट्री के ही मैनेजर्स वगैरह होंगे वही तो अच्छे से समझ पाएंगे ना। आप बाहर से लाके उनके ऊपर किसी को बिठा दो तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाता, राइट। तो जो लोकल मैनेजर्स है ना, उनको इजीली समझ पाते हैं जो लोकल डायनामिक्स होता है आपका, जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं। देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर्स एंड नो हार्शनेस ऑफ द कल्चर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई बैरियर नहीं होता लैंग्वेज का, जो लैंग्वेज आप मैनेजर्स जानते हैं वही आपके लोअर लेवल एम्प्लॉयज भी जानते हैं, ठीक है। तो कल्चरल एडजस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे, अगर आप होस्ट कंट्री से ही एम्प्लॉयज को जो की पोजिशन है उनको क्या करते हो, फुलफिल करते हो, ओके। नेक्स्ट इज लोकल पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी मैनेज्ड इजीली। अब जो होस्ट कंट्री है तो जो वहाँ के लोग हैं, ऑब्वियसली वहाँ की पॉलिटिक्स से भी वो अच्छे से अवेयर होंगे, किस तरीके से डील करना है पॉलिटिशियंस को, या जो गाइडलाइंस वगैरह हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, कैसे फॉलो करना है, तो वो उसको अच्छे से जानते हैं। तो इसका एक ये भी एडवांटेजेस है कि जो लोकल पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उसको ईजिली क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रही है, द पॉलीसेंट्रिक अप्रोच हाउएवर सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस में भाई, जैसे एथनोसेंट्रिक में था कि आप कंट्रोल अच्छे से कर पाते थे कंपनी को, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं हो पाएगा। पढ़ते हैं इसको भी, द होस्ट कंट्री मैनेजर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू इम्बाइब द पेरेंट कंपनी कल्चर। अब देखो जो होस्ट कंट्री के मैनेजर्स होंगे ना, अब कंपनी तो दूसरी कंट्री की है ना भाई, तो ये लोगों को क्या होता है, जो होस्ट कंट्री के मैनेजर्स होते हैं ना, इनको कुछ डिफिकल्टी होती है क्या, एम्बाइब का मतलब क्या, यहाँ पे एब्जॉर्ब करने में पेरेंट कंट्री के जो पेरेंट कंपनी के जो कल्चर्स है उनको, उतने उस वहाँ के कल्चर को ये उतने अच्छे से नहीं समझ पाते कि वो कंपनी एग्जैक्टली चाहती क्या है, किस तरीके से लोगों से काम करवाना चाहती है, तो इन चीज़ों में इनको क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, ठीक है भाई। देयर मे बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पेरेंट फर्म एंड फॉरन सब्सिडरीज। अब क्योंकि फॉरन सब्सिडरी में जो है, जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो उसी कंट्री के हैं जहाँ पे वो सब्सिडरी है,
तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो पाती है पेरेंट फर्म के बीच में और फॉरेन सब्सिडरी के बीच में। कहीं ना कहीं में भी हो सकता है जो गोल है उनका वो लैग कर जाए, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो लैग कर जाए, ठीक है। द पेरेंट कंपनी नेशनल डू नॉट गेट एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस टू द फॉरेन जॉब्स। अब जो पेरेंट कंपनी के नेशनल, मतलब जो पेरेंट कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता या एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता फॉरेन जॉब्स का। अब क्योंकि इस अप्रोच के अंदर आप क्या करो, जहां पे जितनी भी जगह पे आपकी सब्सिडरीज होगी ना, आप वहीं से उसी में होस्ट कंट्री से क्या करोगे, आप इंप्लॉयज को उठा लोगे, ठीक है। तो जो आपकी खुद की कंट्री के जो इंप्लॉयज थे उनको तो नहीं भेज रहे हो, कंपनी के जो इंप्लॉयज थे उनको तो आप भेज ही नहीं रहे हो, तो उनको जो फॉरेन जॉब्स का एक्सपीरियंस है या एक्सपोजर है ना, वो नहीं मिल पाता यहाँ पे। तो ये किसका क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया। एज अ रिजल्ट देयर करियर ग्रोथ में रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू देयर कंट्री, और उनका जो करियर है वो सिर्फ उनकी कंट्री तक लिमिट होकर रह जाता है। ये नहीं कि आप एक एमएनसी में काम, आपने तो सोचा यार एमएनसी में काम करो तो ये हमें अलग अलग कंट्रीज में भी भेजेगी, करियर ग्रोथ है, ऐसा नहीं हो पाता फिर इस अप्रोच के अंदर, ओके। तो ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेजेस है। तो ये थी हमारी क्या, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट क्या है हमारी भाई, जियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। अब जियोसेंट्रिक अप्रोच जो है, देखो अब एक तो हो गया आपका एथनोसेंट्रिक जिसमें आप होस्ट होम कंट्री से लेते हो, फिर एक हो गया आपका पॉलीसेंट्रिक जिसमें आप होस्ट कंट्री से लेते हो। अब जियोसेंट्रिक क्या हो गया, इसका कॉम्बिनेशन हो गया, या ग्लोबली कहीं से भी हायर कर लेते हो एम्प्लॉयज को। Under this approach, the best people are employed in all key positions throughout the organization, regardless of their nationality. ये क्या बोल रहे हैं? इस अप्रोच के अंदर ना बेस्ट पीपल को ही एम्प्लॉयड किया जाता है की पोजिशंस के अंदर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस देयर नेशनैलिटी। ये नहीं देखा जाता कि उनकी नेशनैलिटी क्या है, कि वो होस्ट कंट्री से हैं वो एम्प्लॉयज जो पर्सनस हैं, या फिर वो होम कंट्री से हैं। इसमें क्या देखा जाता है, टैलेंट देखा जाता है उनको, ये नहीं देखा जाता उनकी नेशनैलिटी क्या है। ऑर्गेनाइजेशन को वो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो अच्छे से मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखा जाता है। तो बेस्ट पीपल को सिलेक्ट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड रिगार्डलेस देयर नेशनैलिटी, ओके। The global firm can use its human resource most efficiently by transferring the best person to the open job. मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर करते रहते हो आप जो भी आपके अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एक सब्सिडरी से दूसरी सब्सिडरी में, कि अच्छा आपने यहाँ पे तो अच्छे से मैनेज कर लिया, आप दूसरी सब्सिडरी में जाओ, और उनकी भी करियर अपॉर्चुनिटी है जो इम्प्लॉयज़ है वहाँ पे, कि अलग अलग जो है उनको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, अलग अलग सब्सिडरीज में जाके वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और कंपनी को भी क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है बेस्ट पर्सन का। आगे क्या बोल रहा था ये, इट कैन हेल्पफुल इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉगर एंड मोर कंसिस्टेंट कल्चर अमंग द एंटायर ग्लोबल मैनेजमेंट टीम ड्यू टू कंटिन्यूस इंट्रैक्शन बिटवीन नेटवर्किंग अमंग द टीम मेंबर्स। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो हेल्पफुल रहता है बिल्ड करने में, क्या स्ट्रॉगर एंड कंसिस्टेंट, मतलब टिकाऊ कल्चर बन जाता है एक अमंग द एंटायर ग्लोबल मैनेजमेंट। अब सारी कंट्रीज को आप एक कल्चर के अंदर क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो एक टीम की तरह सारी सब्सिडरीज में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही कंट्री से उठाओगे अपने एम्प्लॉयज को, आप ग्लोबली कहीं से भी हायर कर रहे हो, ठीक है। तो एक क्या हो रहा है यहाँ पे, एक नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, एक टीम बिल्ड हो रही है इसकी वजह से, किससे, जियोसेंट्रिक अप्रोच के अंडर, ओके। जियोसेंट्रिक अप्रोच हाउएवर हैव सम ड्रॉबैक्स, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है भाई, क्या, ग्रेटर पेपर वर्क इज इन्वॉल्व इन द हायरिंग फॉरन नेशनल्स। लेकिन एक ग्रेटर पेपर वर्क होता है भाई, वीजा बनवाना है उनका, ठीक है, पासपोर्ट्स वगैरह का काम करवाना पड़ेगा उनको, उनका आपको, चलो वो कर भी लेंगे, तो वीजा वगैरह उनका करवाना, रहने की फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कराना, तो बहुत सारे पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। देयर आर हार्शलेस टू ऑब्टेन द वर्क परमिट फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये क्या बोल रहे हैं, वर्क परमिट करवाना उनके डिपेंडेंट्स के, भाई जो भी उनके डिपेंडेंट है एम्प्लॉय के, जिसको आप अपनी कंपनी में हायर करना चाहते हो किसी दूसरी सब्सिडरी में, तो वहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको एक परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन कॉस्ट ऑफ फॉरेन नेशनल्स आर हायर। अब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, भाई अलग कल्चर में जाके काम करवाना है तो पहले उनको फैमिलियर करना पड़ेगा उस कल्चर से, तो यहाँ पे जो कंपनसेशन आता है या कॉस्ट वगैरह आती है वो भी क्या होती है, हायर होती है जब आप ग्लोबली हायर करते हो एम्प्लॉयज को, ओके। तो सबके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पे एक हमें बेस्ट टैलेंट भी मिल रहा है भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पे कुछ कॉस्ट भी हमें बेयर करनी पड़ती है, तो डिपेंड करता है कि आपको कॉस्ट ज्यादा आ रही है, बेनिफिट ज्यादा आ रहा है, उसी हिसाब से आप अपनी अप्रोच को चूज करते हो, ओके। द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ अ फॉरेन कंट्री में बी कॉन्स्टेंट। अब ये भी तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है फॉरेन कंट्री की, जहाँ पे आपकी सब्सिडरी है वहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स हो, आप उसको अप्लाई ना कर पाओ या आपको प्रॉब्लम आए वहाँ पे, ठीक है, वीजा वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि अभी हम इस कंट्री से नहीं बुला रहे हैं पर्सन्स को, वो किसी कंट्री के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गए तो आप इस कंट्री के लोग हमारी कंट्री में नहीं आ सकते काम करने के लिए भी इवन, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। द लास्ट वन इज जियोसेंट्रिक अप्रोच, सॉरी ये जियोसेंट्रिक नहीं है, जियोसेंट्रिक अभी हमने यहाँ पे कर ली, ये क्या है, रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। रीजियोसेंट्रिक मतलब रिलेटेड टू रीजन, जो होता है एक आपका पर्टिकुलर रीजन, वहां से ये रिलेट कर रहा है।
अंडर दिस अप्रोच ऑपरेशंस ऑफ द ग्लोबल फर्म आर डिवाइडेड इनटू अ फ्यू ज्योग्राफिकल रीजंस, ठीक है, जैसे अभी हमने बोला था, तो कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है आपकी ग्लोबल फर्म को, जैसे कि यूरोप का एक रीजन हो गया आपका, अमेरिका का एक रीजन हो गया, सपोज एक एशिया का रीजन आपने बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। एंड सीनियर मैनेजर्स आर ट्रांसफर्ड विद इन अ पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम वन सब्सिडरी टू अनदर। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ पे मैनेजर्स होंगे ना, मतलब अब यूरोप के अंदर सपोज आपकी एक सब्सिडरी नहीं है, तीन चार सब्सिडरीज हैं, ठीक है, तो जो आपका जो मैनेजर्स वगैरह होंगे, सीनियर मैनेजर्स वगैरह होंगे, उनको ट्रांसफर करते रहोगे विद इन द रीजन, मतलब आप यूरोप के अंदर ही किसी भी सब्सिडरी में उनको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो एक सब्सिडरी से दूसरी सब्सिडरी में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कि वो किस रीजन में है। अगर यूरोप में है तो यूरोप की किसी सब्सिडरी में ट्रांसफर करोगे, अमेरिका में है तो अमेरिका की, एशिया में है तो एशिया की सब्सिडरी में आप उसको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो एक रीजन सेट कर दिया कि आप इस रीजन से बाहर जाके नहीं काम करोगे, हम आपको इसी में करते रहेंगे, ठीक है। दिस अप्रोच ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं भाई। देर इज अ बेटर इंट्रैक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम पेरेंट कंट्री एंड दोज फ्रॉम द होस्ट कंट्रीज। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बेटर इंट्रैक्शन हो जाता है एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, पेरेंट कंट्री के बीच में और जो होस्ट कंट्री है उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं आपकी सब्सिडरीज के अंदर, वहाँ पे एक होता है बेटर इंट्रैक्शन पॉसिबल होता है यहाँ पर, ठीक है। इस फैसिलिटेट्स द शिफ्ट फ्रॉम द प्योरली एथनोसेंट्रिक अप्रोच टू जियोसेंट्रिक अप्रोच। अब देखो, ना तो ये प्योरली क्या है, एथनोसेंट्रिक है, ठीक है। अब इसमें क्या, जियोसेंट्रिक है, बेस्ट पर्सन को ही हायर कर रहे हो, ओके, तो ये क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है कि आप एथनोसेंट्रिक ही नहीं हो, अब आप क्या बन गए हो, जियोसेंट्रिक बन गए हो, कि जहाँ पे आपके जो इम्प्लॉयज, जहाँ पे आपकी सब्सिडरी है वहीं से हायर कर रहे हो, उस रीजन के अंदर ही उनको क्या कर रहे हो, इम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो, ओके। दिस अप्रोच, सॉरी, द अप्रोच रिफ्लेक्ट सम सेंसिटिविटी टू लोकल कंडीशंस। अब क्योंकि सपोज आपका एक यूरोप का रीजन है, ठीक है, आप वहीं से अपने की पर्सन को अलग अलग सब्सिडरीज में क्या करो, हायर भी कर रहे हो, ट्रांसफर भी कर रहे हो, तो उनकी कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी तो होगी ना भाई लोकल कंडीशंस के लिए, वो ज्यादा अवेयर होंगे लोकल कंडीशंस को लेके या कल्चर्स को लेके, तो ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सेंसिटिविटी टू लोकल कंडीशंस, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से अवेयर है अपनी लोकल कंडीशंस के लिए, क्योंकि वो वहीं के लोग हैं, ओके। However, it suffers from some disadvantages. लेकिन भाई इसके भी क्या है, आपकी जो ये अप्रोच है कौन सी, रीजियोसेंट्रिक, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है, देयर मे बी अ फेडरलिज्म एट द रीजन रेदर देन द वन कंट्री ऑन द रेदर देन ऑन कंट्री बेसिस। यहाँ पे क्या हो सकता है, फेडरलिज्म हो सकता है रीजन के बेसिस पे, मतलब कि आप फेवर कर सकते हो रीजन के बेसिस पे रेदर देन ऑन कंट्री बेसिस, ओके, कंट्री के बेस पे नहीं कर रहे, आप रीजन के बेस पे सिलेक्ट कर रहे हो। करियर प्रोस्पेक्टस एट रीजनल लेवल आर हैम्पर्ड। अब जो करियर प्रोस्पेक्टस है ना रीजनल लेवल पे, वो भी क्या हो रहा है, आपका हैम्पर हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार और पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना वीडियो को, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक, बहुत ईजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इंटरनेशनल सिलेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताया करो क्या डाउट है आप लोगों को, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, कमेंट करा करो अच्छे से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।